नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से शारदीय नवरात्र शुरू, कलश स्थापना व मां शैलपुत्री की पूजा से नवरात्र की शुरुआत। आज पीले रंग का है विशेष महत्व। अनाज भंडारण के लिए सरकार की बड़ी योजना, 205 गोदामों का होगा निर्माण, 20 लाख एमटी होगी भंडारण क्षमता। प्रवासी बिहारियों की सुविधा का रखा जाएगा खास ख्याल, सरकारी योजनाओं का समय पर मिलेगा लाभ। दिल्ली स्थित बिहार भवन में बढ़ाई गई अधिकारियों की संख्या। निःशुल्क दवा वितरण में बिहार को मिला पहला स्थान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की रैंकिंग। राजस्थान और तेलंगाना क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर। इंडिया और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में जीत के बाद रोहित ने किया खुलासा, भारतीय टीम के जीत की बताई वजह, गेंदबाजों की प्रशंसा की। अब चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज शारदीय नवरात्र शुरू है। इस त्योहार के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उन्हें देवी दुर्गा के पहले स्वरूप के रूप में पूजा जाता है और उन्हें हिमालय की पुत्री माना जाता है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व है, जो समृद्धि का प्रतीक है। भक्तगण पीले वस्त्र पहनकर मां की आराधना करते हैं और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलश स्थापना का कार्य भी इस दिन किया जाता है, जो नवरात्रि की धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मां शैलपुत्री की पूजा से भक्तों को सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। उनका वाहन वृषभ है और उनके हाथों में त्रिशूल और कमल का पुष्प होता है। बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। प्रदेश के 91,000 लोगों को महज 2 साल में रोजगार मिला है। राज्य के 4.5 लाख से भी ज्यादा कामगार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि 31 मार्च 2023 तक बिहार के 4,11,210 कामगार ESIC के दायरे में है। वही 2024 तक इनकी संख्या बढ़कर 4,50,640 हो गई है। इसकी वजह है प्रदेश में कंपनियों की संख्या में इजाफा होना, जिसकी वजह से प्रदेश में नौकरी करने वालों की संख्या बढ़ी है। महिलाओं के आंकड़े देखें तो 31 मार्च 2023 तक बिहार में ESIC के दायरे में काम करने वाली महिलाओं की संख्या करीब 37,677 थी, जो अब 31 मार्च 2024 तक 43,804 हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवरात्रि के पहले दिन बिहार को बड़ा तोहफा देते हुए पटना सिटी में एक नया ITI संस्थान का उद्घाटन किया है। यह ITI संस्थान गाय घाट में स्थित है, जिसका निर्माण 2022 में शुरू हुआ था और इसके लिए 17 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 3 मंजिला इस संस्थान में प्राचार्य और उप प्राचार्य के लिए क्वार्टर, इसके अलावा कैंटीन, स्टाफ, हॉस्टल और 100 छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाएं भी हैं। ये पूरी तरह भूकंप रोधी है और क्षेत्र को शिक्षा का हब बनाने में सहायक होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने JP गंगा पथ पर कृष्णा घाट संपर्कता और गाय घाट में रैप संपर्कता सड़क का लोकार्पण भी किया है, जिससे परिवहन में सुधार होगा। बिहार में अनाज भंडारण के लिए बिहार सरकार ने बड़ी योजना बनाई है। बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने जानकारी दी है कि प्रदेश में 116 करोड़ से 205 अनाज गोदाम बनाए जाएंगे। 1.621 लाख एमटी गोदामों की भंडारण क्षमता होगी। उन्होंने बताया कि गोदाम 200 एमटी, 500 एमटी और 1,000 एमटी क्षमता वाले होंगे। इस योजना के तहत 50% चक्रीय पूंजी और 50% सब्सिडी के रूप में लाभुकों को प्राप्त होंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय राज्य स्तरीय समिति की तरफ से कुल 205 गोदामों के प्रस्ताव मिले थे, जिसके 200 एमटी क्षमता के 3 गोदाम, 500 एमटी क्षमता के 81 गोदाम और 1,000 एमटी क्षमता के 121 गोदाम शामिल हैं। इस पर स्वीकृति दी जा चुकी है। इन गोदामों के निर्माण से प्रदेश में भंडारण क्षमता 20 लाख एमटी हो जाएगी। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधाजनक आवाजाही के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे 21 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। कटिहार डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक सुरेंद्र कुमार ने जानकारी दी है कि कटिहार रेल मंडल से 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जबकि 13 जोड़ी ट्रेनें कटिहार से होकर गुजरेंगी। ये सभी ट्रेनें प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, अमृतसर, नई दिल्ली, हावड़ा, अगरतला, गुवाहाटी, कोलकाता और बेंगलोर के लिए होंगी, ताकि लोग अपने घर पहुंच सके। ये स्पेशल ट्रेनें छठ पूजा तक चलेंगी। त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है।
ताकि सभी को सुगम यात्रा का अनुभव मिल सके। सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के बाहर काम करने वाले प्रवासी बिहारियों को समय पर देने की योजना बनाई जा रही है। इस संबंध में श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने समीक्षा बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि करीब 45,78,000 लोग बिहार से बाहर रहकर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरे राज्यों में पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या 5,52,000 है। इसके अलावा विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या 23,738 है। प्रदेश से बाहर रहने वाले प्रवासी बिहारियों को न केवल समय पर सरकारी योजनाएं सुनिश्चित करवाई जाएंगी बल्कि उनकी सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जाएगा। दिल्ली स्थित बिहार भवन में विभाग ने अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी है ताकि प्रवासी बिहारियों की सुविधा में किसी तरह की परेशानी ना हो। स्वच्छता के मामले में पटना का चिड़ियाघर पहले स्थान पर है। अब इस जैविक उद्यान को अन्य मामलों में भी नंबर वन बनाया जाएगा। वहीं गेंडों की संख्या में ये विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहां बाघों की संख्या भी बढ़ी है। अब इसी के साथ पहली बार पटना जू में गौर ने बच्चों को जन्म दिया है जो एक सराहनीय प्रयास है। इसकी जानकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने दी है। उन्होंने संजय गांधी जैविक उद्यान में आयोजित वन्य प्राणी सप्ताह के शुभारंभ पर बताया कि यहाँ उद्यान में वन्य प्राणियों का बेहतर रखरखाव हो रहा है। बीते कुछ वर्षों में उद्यान में गैंडा, बाघ, जिराफ और घड़ियाल की संख्या भी बढ़ी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सितंबर की मासिक रैंकिंग जारी की है जिसमें बिहार सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर आया है। इस मामले में बिहार को 77.22% अंक मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर 76.91% के साथ राजस्थान और 69.14% के साथ तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। आपको बता दें कि देश के 24 राज्यों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी DVDMS संचालित किए जा रहे हैं। इसी के जरिए दवा की उपलब्धता का प्रबंधन अस्पतालों में होता है। बिहार देश में दवा स्टॉक से लेकर वितरण तक 11 मापदंडों में पहले स्थान पर है। राजधानी पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर 5,000 से भी ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहां की आबादी करीब 72 लाख है। आबादी के मुताबिक एक जवान 1400 लोगों पर तैनात रहेंगे। पुलिस के जवान सप्तमी, अष्टमी, नौमी और दसवीं के अवसर पर पूजा पंडालों और भीड़भाड़ वाले जगहों पर विशेष रूप से नजर आएंगे। पुलिस के जवान डाक बंगला, पटना सिटी, कदम कुआं, खाजपुरा और बोरिंग रोड जैसे इलाकों में सादे लिबास में नजर आएंगे। इसके अलावा गांधी मैदान में रावण दहन के दौरान खास तौर पर कड़ा पहरा रहेगा। इन सभी इलाकों में ड्रोन से नजर रखी जाएगी। आज से पुलिस की टीम कई इलाकों में फ्लैग मार्च करेगी। जहां पहले घटना हो चुकी है उन जगहों पर चिन्हित कर अलग से जवान तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा पटना में सप्तमी से दसवीं तक यातायात की व्यवस्था में भी बदलाव होगा। भीड़ के दौरान गाड़ियों के आवागमन पर भी रोक रहेगी। रावण दहन के दौरान भी गांधी मैदान और आसपास के इलाकों में वाहन के आवागमन पर रोक रहेगी। बिहार में बाढ़ के कारण किसान और मत्स्य पालक को बड़ा नुकसान हुआ है। यहां करीब 350 करोड़ की मछली और मखाने की फसल बाढ़ के कारण बर्बाद हो गई। अधिकतर मछली पालन उत्तर बिहार में देखने को मिलता है और वर्तमान में उत्तर बिहार के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं दूसरी तरफ मखाने की फसल को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में अभी तक मछली और मखाना बीमा को भी लागू नहीं किया जा सका। बीमा होने से किसानों को राहत की सांस मिलती, हालांकि नुकसान की ये जानकारी अनुमानित है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद मछली और मखाने के हुए नुकसान की वास्तविक रिपोर्ट मिलेगी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 12 अक्टूबर को 16 जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित होगा। सुरक्षा के लिए मैदान को 4 सेक्टर में विभाजित किया जाएगा। साथ ही 128 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मैदान को 229 स्ट्रीट लाइट और 20 हाई मास्क लाइट से रोशन किया जाएगा। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और SSP राजीव मिश्रा ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया है। इस वर्ष रावण दहन कार्यक्रम के लिए 16 स्थानों पर आयोजन होगा और 1333 पूजा पंडालों में सुरक्षा के लिए 1945 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 6.5 लाख रहने का अनुमान है। सभी पंडालों में मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी और 755 जगहों पर मे आई हेल्प यू डेस्क बनाए जाएंगे। बिहार में 47 और कस्तूरबा गांधी विद्यालय का संचालन 13 जिलों में शुरू हो चुका है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों का उद्घाटन गांधी जयंती के अवसर पर किया गया। ये 47 कस्तूरबा
स्कूल अरवल, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, कैमूर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, शेखपुरा, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण में खोले जाएंगे। पर्यटन व उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने गया जिले के टिकारी विद्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया, साथ ही कहा कि इस अभियान को मूर्त रूप देने के क्रम में सरकार का ये अभिनव प्रयास है। आपको बता दें कि प्रदेश में खुले 47 नए कस्तूरबा विद्यालय से 4,700 बालिकाएं लाभान्वित होंगी। यहाँ लड़कियों को शिक्षा के साथ आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। कोसी पश्चिमी तटबंध टूटने के मामले में सरकार गंभीर हो चुकी है। बिहार में बाढ़ से हो रही परेशानी के बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि कोसी पश्चिमी तटबंध टूटने के मामले की सरकार जांच करवाएगी, दोषी पाए गए अभियंताओं और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बिहार में संवेदनशील और सुशासन की सरकार है, वो हर बार पीड़ित के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ दरभंगा पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और पीड़ितों से मिले। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों की परेशानी भी सुनी। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को समय पर भोजन और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद के मर्डर मामले में विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की रिहाई बरकरार है। 1998 में हुई इस मर्डर के मामले में पटना हाईकोर्ट ने पहले 8 आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला समेत 2 लोगों को दोषी करार दिया। मुन्ना शुक्ला का आपराधिक इतिहास रहा है और वे लालगंज विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। ब्रज बिहारी प्रसाद का मर्डर उस समय हुआ था जब वे IGIMS परिसर में थे और उन पर देवेंद्र दुबे के मर्डर का आरोप था। इस मामले में कई अन्य आरोपियों का नाम भी शामिल है। बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम की नजरें अब T20I सीरीज पर है। पहले टेस्ट में भारत ने 280 रन से जीत हासिल की, जबकि कानपुर में दूसरा टेस्ट बारिश से प्रभावित रहा। पहले तीन दिन ड्रॉ की ओर बढ़ते दिखे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक बैटिंग कर मैच को पलटा। कानपुर टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया और सीरीज 2-0 से अपने नाम किए। इस भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने आक्रामक बैटिंग की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि टीम को परिणाम पाने के लिए जोखिम उठाने पड़े। उन्होंने गेंदबाजों की भी प्रशंसा की और बताया कि ड्रेसिंग रूम की सामूहिक सोच ने सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है सादुल्ला, पालवी, नौसाद, रजा, रवि मोहन वर्मा, छोटू रजा, ओमकार सिंह, आलोक प्रिय दर्शी, बाबूलाल मरांडी, विनोद महात्मा, गुनर शर्मा, जितेंद्र ठाकुर, सपना कुमारी, मोहम्मद सबीर, सुकांत, शंकर, राजकिशोर महतो, जयराम कुमार शर्मा, कंचन कुमारी, बबलू कुमार, उदय कुमार सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इस दुर्गा पूजा किसी बुरी चीज को खत्म करनी हो तो आपके लिए वो क्या चीज होगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।